महामारी के मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। आज वित्त मंत्री जी श्रीमती सीतारामन ने अपना चौथा बजट पेश किया। यह बजट ज्यादातर किसानों पर और बुनियादी ढांचे बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर आधारित बजट है। किसानों के लिए इसलिए कि इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए 2.7 लाख करोड़ यानी 2,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है बजट में, जो कि बहुत अच्छा है किसानों के लिए और बहुत जरूरी भी था। वैसे ही प्रधानमंत्री हाउसिंग प्रोग्राम के लिए 80 लाख मकान बनाने की इनकी योजना है, जिसमें कि 48,000 करोड़ रुपए का आउटले है अपने बजट में, तो काफ़ी अच्छा है। एक बहुत अच्छी चीज़ बजट में जो लाई गई है वो है कि डिफेंस सेक्टर के लिए जो कैपेक्स यानी जो कैपिटल जो साधन खरीदेंगे डिफेंस सेक्टर में, उसमें 68% अपनी घरेलू कंपनियों से खरीदेंगे। तो इम्पोर्ट पर कम आधारित बजट है ये, कि इम्पोर्ट कम करना और डिफेंस के लिए 68% अपनी घरेलू कंपनियों से खरीदने के कारण क्या होगा कि हमारी घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा और इम्पोर्ट कम होगा। वैसे ही यह बजट, जैसे कि मैंने कल भी कहा था प्री बजट में भी, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लांट एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। 10.86 लाख करोड़ यानी 10,86,000 करोड़ रुपया जो है वो प्लांट एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि 35% इंक्रीज है पुराने बजट से, 35% इंक्रीज है। और हमारी जो सकल घरेलू उत्पादन है उसका 2.9% होता है ये, तो बहुत अच्छा है। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आगे भी इसका हमको रेवेन्यू आता रहेगा, आगे भी इसका बेनिफिट मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है। मैं पहले भी कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे आधारित बजट है, पूरा का पूरा जो इस पे जोर दिया गया है वो बुनियादी ढांचा कैसे मजबूत किया जाए रोड्स के लिए है। रोड के लिए भी काफ़ी अच्छा रोड के लिए भी दिया गया है कि नेशनल जो हाईवे है वो 25,000 किलोमीटर तक का बनाएंगे और उसमें 20,000 करोड़ का खर्चा बताया गया है रोड के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऐसे राजकोच घाटा जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि पिछला जो पहले 6.5% बोले, फिर 6.8% बोले, और बजट में अभी जो 22 का जो राजकोषीय घाटा है वो 6.9% आ गया जीडीपी का, और अगले बजट के लिए मतलब 22-23 के लिए इसको 6.4% भी धारा गया। मुझे नहीं लगता कि 6.4% तक ये रह पाएगा, क्योंकि नए स्रोत कोई है नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट बोरिंग्स पे डिपेंड है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। अब जो पुराने टैक्स है तो इकोनॉमी अच्छी रहेगी उसके बेसिस पे ये बजट बनाया गया है, तो जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% ऑफ द जीडीपी है, थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर से बनाया गया है। न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो न्यू स्टार्टअप रहेंगे उनको नाबार्ड का एक सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा दिया है न्यू स्टार्टअप के लिए। वैसे ही गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए पहले बैंक गारंटी लगती थी, जिसमें एफडी लगे, अपनी प्रॉपर्टी लगे, तो उसमें इन्होंने अभी पूरा डिटेल आने का है, एक श्योरिटी बॉन्ड करके लाया है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट बोरिंग्स की गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट लेना है उसके लिए सप्लायर्स को सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए है। फिर सिंगल विंडो है एक प्रॉपर्टी के लिए, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे प्रॉपर्टी में आज हमको म्यूटेशन कराओ, रजिस्ट्री कराओ, एग्रीमेंट बनाओ, उसके पेपर्स, तो बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट है कि प्रॉपर्टीज के लिए एक सिंगल विंडो ई विंडो रहेगा। और जैसे हमारे शेयर के कैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा, वैसे प्रॉपर्टी में भी एक डीमैट अकाउंट होगा और डिजिटलाइजेशन होना चालू हो जाएगा प्रॉपर्टी में, बहुत अच्छा है। पोस्ट ऑफिस में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बाकी वर्क नहीं होते, जो ट्रेडिशनल वर्क है पोस्ट ऑफिस के, तो उसके लिए उन्होंने कोर बैंकिंग,
डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी पोस्ट ऑफिस के लिए शुरू किया, काफी अच्छा है। अब आ जाइए टैक्स पे। टैक्स पे बहुत स्टेटस को टाइप ही मेंटेन किया हुआ है, टैक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया, बोले नया हम एक रिफॉर्म करेंगे, कब तक वो आएगा रिफॉर्म पता नहीं, लेकिन टैक्स में बहुत नहीं, सिर्फ एक है कि पहले हम मार्च तक ही रिटर्न भर सकते थे, उसको उन्होंने 2 साल और किया है कुछ एडिशनल टैक्स भर के। एक धारा 139(8)(a) करके एक धारा आई हुई है जो कि 2 साल में अपन रिटर्न भर सकते, 12 महीने में भरे तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा और 24 महीने में भरे तो 50% और भरना पड़ेगा, तो 2 साल तक उसके लिए है। फिर क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने क्रिप्टो करेंसी नहीं बोले है, उन्होंने वर्चुअल असेट बोले है, उस पर अब 30% टैक्स लगेगा फ्लैट, और उसमें कोई लॉस होता है तो लॉस सेटअप नहीं होगा उसका, और अगर कोई गिव भी करता है वो डिजिटल असेट, मेनली क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी के लिए ही बोला गया है, तो उसको उस पर भी अब टैक्स लगेगा गिफ्ट टैक्स, और अगर एक तरह से दूसरे तरह जब ट्रांसफर होगी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असेट उस पर 1% TDS भी लगेगा, कैसे इंप्लीमेंट करते उसकी डिटेल आएगी पर 1% TDS लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो बड़े 5 करोड़ के ऊपर 37% जो सरचार्ज लगता था अब वो 15% है, एक शेयर मार्केट के लिए अच्छा है कि 15% सरचार्ज लगेगा। एक आया कि अगर सर्च भी सीजर भी और सर्वे में अगर आप कोई भी इनकम पकड़ी जाती है एडिशनल इनकम अनडिस्क्लोज इनकम तो पुराने लॉसेस है और सेटअप है वो उसको नहीं मिलेगा, एक थोड़ा हार्श प्रोविजन है, और इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा नहीं लाया, GST में तो आजकल यहाँ पे बोला ही नहीं जाता बजट में, वो तो जब GST काउंसिल की मीटिंग होती उसी में होता, तो GST में बहुत चेंजेस नहीं है। कस्टम्स में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, कम ज्यादा किए हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो 22-23 के बजट में गवर्नमेंट बोरोइंग्स है यानी सरकार की जो उधारी लेने का है वो है 14.95 लाख करोड़, ये थोड़ी ज़्यादा है और भी बढ़ सकती है क्योंकि उन्होंने विनिवेश का जो विनिवेश बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट उसका टारगेट 65,000 करोड़ रखा है, अगर वो भी अगर फुलफिल नहीं होता है या टैक्स के जो कलेक्शन है उसमें कम ज़्यादा होता है, कम ज्यादा ज्यादा हुआ तो अच्छा ही है पर टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट बोरिंग्स और बढ़ेगी या फिर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, तो ये जो 2 चीज के लिए हमारे रेटिंग के लिए ठीक नहीं है, बाकी ओवरऑल यह बजट हम अच्छा कहेंगे, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बजट है, एक सबसे छोटी स्पीच दी है 4 सालों में हमारे वित्त मंत्री ने, लेकिन अब और अभी जब फाइन प्रिंट्स आएंगी सब कुछ आएगा हम देखेंगे, पर टैक्सेशन में स्टेटस को रखा गया है, बहुत चेंजेस नहीं, हमने चैम्बर से बहुत चीजें मांगी थी, सिंप्लीफिकेशन की बात मांगी थी पर सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, गवर्नमेंट इसमें फेल है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बहुत सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। बाकी बजट के आउटले जो है वो मैं कह रहा कि हमारी जो मध्यम परिवार है उसके लिए कुछ नहीं है, एक तो हाउसिंग है सिर्फ निम्न परिवारों के लिए और फार्मर्स पे यानी किसानों पर आधारित बजट है, बाकी बजट में मध्यम परिवार के लिए कुछ नहीं है। और अगर आगे प्राइस जो तेल की कीमतें है वैश्विक अगर तेल की कीमत बढ़ती है और तो इन्फ्लेशनरी बजट हो सकता है, महंगाई वाला बजट हो सकता है, आगे महंगाई बढ़ सकती है, उसके बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। हरदम वो कहते हैं इम्पोर्टेड महंगाई का मतलब अगर बाहर की चीज़ों का दाम बढ़े और उसमें मेनली तेल के दाम है, लेकिन महंगाई बढ़ सकती है इस बजट से, बाकी फिर से कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है। धन्यवाद, लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।